माधोगंज इलाके में एक सिपाही पर रविवार रात को हमला हो गया। वो सड़क किनारे चेकिंग कर रहा था और इसी दौरान आए कुछ युवक उनसे उलझ गए। सिपाही के साथ पहले झूमाझटकी की और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उसकी वर्दी भी फाड़ी। इसके बाद तो पुलिसकर्मी इकट्ठे हो गए और माधोगंज थाने पहुंच गए। सिपाही पर हमला होने की खबर से पुलिस अफसर भी हरकत में आ गए। माधोगंज थाने में पदस्थ सिपाही संदेश कुमार माधोगंज चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवक आए और वीडियो बनाने लगे। अचानक किसी बात पर सिपाही से उलझ गए, सिपाही के साथ झूमाझटकी कर दी, जिसके बाद सिपाही ने विरोध किया तो उसे थप्पड़ मारे। इतना ही नहीं, उसकी वर्दी भी फाड़ दी। वहीं जब जनता बीच में आई तो युवक भाग निकले। इसके बाद सिपाही और अन्य फोर्स थाने पहुंचा। यहां माधोगंज थाना प्रभारी महेश शर्मा को पूरी घटना की जानकारी दी। एक युवक की जानकारी मिली है जिसका नाम बबलू सोलंकी बताया गया है। माधोगंज थाना प्रभारी महेश शर्मा ने बताया कि वो खुद को मीडिया कर्मी बता रहा था। सिपाही ने उनसे ठेले हटवाने को कहा और बोला कि वहां ठेले लगे हैं, यहां क्यों खड़े हो। इस पर सिपाही ने कहा कि वो माधोगंज थाने से है, जहां उसकी ड्यूटी है वहां ठेले हटवा दिए हैं। इसके बाद ये लोग अपशब्द कहने लगे और उसके बाद मारपीट पर उतर आए। इस मामले में थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि मारपीट करने वालों पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।